माई सेल्फ इज रोहित सिंह टूडे आई विल डिस्कस अ पीट्यूटरी ग्लैंड पीट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आए हैं साथ ही साथ इससे जो है अदर कम्पटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आए हैं जो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसको master gland भी कहते हैं। क्यों इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यह सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट अदर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड यह आपने पीछे बताया अभी कि यह सभी जो हार्मोन रिलीज करने वाले ग्लैंड हैं उसको क्या करता है कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड एराइज फ्रॉम द हाइपोथेलमस रीजन ऑफ ब्रेन यह ब्रेन के हाइपोथेलमस रीजन से क्या होता है एराइज होता है ठीक देर फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस ग्लैंड इसलिए इसको हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ब्रेन के हाइपोथेमस रीजन से राइज हुआ है इसलिए इसको हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं क्लियर इट कलर इज पिंक इसका कलर पिंक होता है पिट्यूटी ग्लैंड डिवाइड इंटू थ्री मेजर पार्ट पिट्यूटी ग्लैंड जो है थ्री मेजर पार्ट में डिवाइड होते हैं एक-एक करके बात करेंगे जिसका नाम है एंटीरियर लोब एंटीरियर लोब इज ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइस पोस्टीरियर लोब जिसको हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं पोस्टीरियर लोब को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं एंड लास्ट इंटरमीडिएट लोब और लास्ट है इंटरमीडिएट लोब यहां एक डायग्राम छोटा सा हम लोग देखेंगे आप ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे पाइनल ग्लैंड होता है उसके नीचे जस्ट जो है होता है और थैलमस के जस्ट नीचे जो हाइपोथेलमस होता है और हाइपोथेलमस से अटैच होता है इन फंडिबुलम और इन फंडिबुलम से एक पिंक कलर का जो है पी सेप का जो है पिट्यूटी ग्लैंड होता है जो ब्रेन के पास होता है तो एक फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीरियर लूब एंटीरियर लूब क्या होता है एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटी ग्लैंड कनेक्टेड टू द ब्रेन यह ब्रेन से कनेक्ट होता है और जिस किसके द्वारा कनेक्ट होता है तो शॉर्ट ब्लड वेसल के द्वारा कनेक्ट होता है एंड रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हारमोन और यह डिफरेंट टाइप्स के हारमोन को भी क्या करता है रिलीज करता है जो एक एक करके लोग बात करेंगे फर्स्ट हारमोन जो है इंटीरियर पार्ट ऑफ दिट्यूट फर्स्ट हारमोन रिलीज करता है जिसका नाम है पी आर एल प्रोलैक्टिन हारमोन सेकेंड जी एच जी एच हारमोन को हम लोग ग्रोथ हारमोन भी कहते हैं साथ ही साथ इसको हम लोग बोलते हैं एस टी एच हारमोन सोमैटोट्रोपिन हारमोन भी बोलते हैं इसको सोमैटोट्रोपिन हारमोन आप ध्यान दीजिएगा ग्रोथ हार्मोन को हम लोग लो एस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं उसके बाद आप देखेंगे, सी जो है, च, को बोलते हैं। क्या बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं जीटीएच को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीएसएच थायरॉइड स्टेटिंग हार्मोन इसको थायराइड स्टूलेटिंग हार्मोन बोलते हैं एंड लास्ट एसीटीएच एड्रिनोकार्टोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं एड्रीनोकार्टोट्रोपिक हार्मोन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो पांच हार्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं फर्स्ट हार्मोन डिस्कस करेंगे एंटीरियर लोब जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हारमोन सिक्रिट फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पीट्यूटी ग्लैंड पी आर एल हारमोन एक्ट ऑन ब्रिस्ट फीमेल की ब्रिस्ट पर एक्ट करता है एंड इंड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन यह मिल्क के प्रोडक्शन एज वेल एज सिक्रीशन को क्या करता है स्टार्ट करता है सेकेंड ग्रोथ हारमोन ग्रोथ हार्मोन इज आल्सो नोन एज एस टी एच इसको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं इट रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉज करता है इन ह्यूमन बींग हमारे अंदर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉज करता है वेन जी एच रिलीज इन वेरी लो अमाउंट जब जीएच हार्मोन बहुत लो अमाउंट में रिलीज होता है तो ड्वार्फिज्म कॉज करता है हमारे अंदर डॉर्फिज बोनापन जिसको हम लोग कहते हैं तो इंसान की हाइट जो नॉर्मल होती है उससे उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है बोनापन उसको कहते हैं हम लोग इफ जी एच रिलीज इन वेरी हाई अमाउंट अगर जीएच हार्मोन बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होने लगे तो उसको हम लोग जिग्नेटिज्म कहते हैं जिग्नेटिज्म जो होता है वह लंबापन होता है आप नॉर्मल हाइट से बहुत थोड़ा अधिक हाइट आपकी हो जाएगी जिसको हम लोग लंबापन या जिग्नेटिज्म कहते हैं यह डिसऑर्डर्स हैं ग्रोथ हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स हैं जो हाइपर एंड हाइपो हाइपोसिक्रीशन के कारण होते हैं क्लियर सेकेंड जो है थर्ड जो है सॉरी थर्ड जो है हार्मोन जो है उसको डिस्कस करते हैं गुनेडोट्रोपिन हार्मोन इज अ प्रोटीन पॉलीपिप्टाइड हार्मोन होता है या ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ पॉलीपिप्टाइड हार्मोन है विच रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यह भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जीटीएच हार्मोन आर ऑफ टू टाइप्स ये दो प्रकार के होते हैं एक है एफएसएच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पहला जो है एफएसएच है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड सेकेंड है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जीटीएच हार्मोन टू टाइप्स के होते हैं एक का नाम है एफएसएच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड सेकेंड इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फर्स्ट हम देखते हैं इट इज अ द प्राइमरी ग्रैफन फॉलिकल यह ओवरी में प्राइमरी ग्रेफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और उसको चेंज करता है मैच्योर प्राइमरी चेंज करता है एल एच हारमोन एल एच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रैप्चर जब रैप्चर द मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल या मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल को रैप्चर करता है जब मैच्योर होने के बाद एफएसएच हार्मोन जब उसको मैच्योर करता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल को रैप्चर करता है एज अ रिजल्ट ओवम इज रिलीज ओवम जो है वो डेवलपिंग ओवम जो है रिलीज होता है एंड मूव टूवर्ड्स फेलोपियन ट्यूब और ओवर फेलोपियन ट्यूब की तरफ क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है देयरफॉर एलएच हाल एलएच हार्मोन जो है वह हेल्प इन ओवुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ओवुलेशन क्या होता है तो यह ओवुलेशन में भी हेल्प करता है ओवुलेशन में एलएच हार्मोन हेल्प करता है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन जो है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आप देखिए इट इज इट स्टमुलेट दायड ग्लैंड थेट करता है विच सिक्रीट हार्मोन थायरयड ग्लैंड जो नेक के पास होते हैं उनको क्या करता है स्टूमुलेट करता है और एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन नेक्स्ट एसीटीएच इट स्टिमुलेट द एड्र ग्लैंड एंड रिलीज स्टेड कंटेनिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि यह क्या करता है एड्रिनल ग्लैंड को स्टमेट करता है और स्टेरॉयड कंटेनिंग हार्मोन को रिलीज करता है उसका नाम है कॉटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉर्टिस क्या होता है और एसीटीएच कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है तो जिसका नाम है कॉर्टिस और यह हार्मोन कैसा होता है तो स्टोरॉइड कंटेनिंग हार्मोन होता है कॉटिसॉल जो है कंट्रोल द स्ट्रेस को कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है एंड ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है क्लियर यहां तक सबको क्लियर हुआ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर लोब जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है क्लियर और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आज का क्लास जो हमने लिया है उसका नोट्स का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ओके थैंक यू सो मच